थम दिखाओ। ये देखिए सर, लाइव प्रैक्टिकल कैसा रहा? बहुत बढ़िया लाइव प्रैक्टिकल। आपके सामने स्टूडेंट ने यहाँ पे होनर की FRP अनलॉक किया, तो क्या केवल इसका कर सकते हैं या एनी ओनर? हर किसी का कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे मेरा डेक की फ्लैशिंग कौन कौन कर लेगा? कॉलकॉम की फ्लैशिंग, आईफोन, स्पेक्ट्रम, अनलॉकिंग की बात करें विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कौन कौन कर लेगा? सभी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फेक हो ना। चलिए अब हम यहाँ पे पूछते हैं सबसे पहले इनसे। अपना नाम सीखा वो यूट्यूब से सीखता था, बट उसमें इतनी नॉलेज नहीं मिलती थी। यहाँ पे पूरी डीपली नॉलेज मिली है कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे फाइलों की डिटेलिंग हुई। हाँ, अच्छा कहाँ कुछ फंस रहे थे 3 सालों में? सर फाइलों का ही नहीं पता था। जैसे ओडिन को ही सीखते सीखते मेरे को कम से कम 1 साल लग गया। उसमें बाइनरी का एरर आता है, उसका एरर का पता चलने में 1 साल लग गया। जो अभी आज 2 सेकंड में पता लग गया कि कहाँ से क्या करना है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। कुछ नया सीखने को मिला? सर आपका सवाल ये है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आप हमें ये बताइए क्या इनको कैसी गाइडलाइन देगी? गाइडलाइन का मतलब अभी जो भी कहा है उसको फॉलो कीजिए, सब कुछ आगे बढ़ सकता है फॉलो किया तो, नहीं तो कुछ नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि मैं 5 साल से काम किया हूँ, मुझे आज पता हुआ है, पहले सैमसंग का जो भी AP फाइल ZP फाइल जब भी है ना वो पता नहीं होता था। अभी बाद में ये जो फाइल आता है U1, U2, U5, ZP फाइल, ये कितने सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं? 2-3 सेकंड में। आपको कितना टाइम लगा था? मुझे कम से कम ये 1.5 साल से 2 साल पड़ा था। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। टेलीकॉम से दुर्गेश, और ये हमारी चल रही सॉफ्टवेयर की क्लास। आज इसी लास्ट क्लास चल रही है, सारे स्टूडेंट को एक बार दिखा दीजिए। आज इनकी क्लास चल रही है, तो कैसी रही वाला सॉफ्टवेयर? तो सर आज हम स्टूडेंट से लाइव प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। आज मैं आपको बता दूं होनर की FRP अब बहुत सारा देखते हैं स्टूडेंट, कई सारे देखते हैं, पर यहाँ पे लाइव कराने वाले हैं। यस सर। क्या कॉन्सेप्ट है इसका अभी का? सर ये हमारा होनर का 9 लाइट सेट है, इसमें FRP है। दिखाइए FRP पहले दिखा। तो सर हम इसको रिमूव करेंगे, ये देखिए। जैसे आप स्किप बटन क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? तो ये FRP का ऑप्शन होता है, ये आगे नहीं चाहेगा सर। तो ये जो क्लास में इसका होनर का स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डायग्नोस करने के लिए बताया गया। यस सर। क्या क्या चीजें चेक करनी है सर इसमें? हमें पहले तो अपना ये देखना जो पॉइंट है, टेस्टेड पॉइंट चेक करना है। सबसे पहले आपने CPU को देख लिया, चेक कर लिया सर। उसके बाद जो है हमारा CPU है, फिर हमें देखना है USB 1.0। किस मोड में सर ये हमारा आ जाएगा? USB 1.0। वेरी गुड। कैसे टेस्ट पॉइंट पता करेंगे सर? यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी। वेरी गुड। ये हमारे कहाँ जाना है? आप एक सेकंड सर, ये हमारा हवाई, ये रहा हमारा हवाई। ओके, जो मॉडल सिलेक्ट करेंगे ओनर 9 लाइट। ओके, अब इसमें आपको क्या पता चल जाएगा? टेस्ट पॉइंट पता चल जाएगा सर। एक मिनट सर, ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। ये आपका टेस्ट पॉइंट है, फोन में दिखा दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए। चलिए ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। वेरी गुड। अब इसको कैसे करना है आपको? सर ये एक जो है हमारा टेस्ट पॉइंट पे होगा, एक हमारा ग्राउंड पे होगा। चलिए करिए, लाइव करिए। ठीक है सर, एक सेकंड। अरे आप एक USB केबल उससे लगवा लो ना। केबल लगा देना आप। मोबाइल इस साइड, मोबाइल इस साइड। हाँ लगा। चलिए डिवाइस मैनेजर खोल लेते हैं और इनको पोर्ट चेक करा देते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो बना कि नहीं। देखिए कौन सा ड्राइवर बन गया? USB 1.0। MRT में जब हम करते थे तो उसमें आपको 2 स्टेप करना होता था, बट यहाँ पे एक ही स्टेप में जॉब डन होगा, जो कि देखते हैं लाइव। तो अभी क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है बताइए सर? मैं अपना मॉडल, आपने CPU ले लिया। यस
एक सेकंड, एक बार मॉडल दोबारा से चेक कर ले। कोई बात नहीं, कर लीजिए। ये आपका 659 यहाँ पे, सेकंड सर 6.9। ओके, अब क्या करना है सर? इसमें हमें अपना मॉडल ठीक है, इरेज़ पार्टी क्या करना था? इरेज़ पार्टी। और ये देखिए हाई सिलिकॉन सब कंप्लीट हो गया, बूट हो गया, वन टाइम यहाँ पे चल रहा है। ऐसा कि नहीं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया था क्या? नहीं सर। इधर दिखाइए, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया क्या? ये लाइव फर्स्ट टाइम क्लास में चल रहा है। यस सर, यस सर। तो आप देख सकते हैं लाइव क्लास में चल रहा है, इनको समझाया गया और ये लाइव स्टूडेंट से कर रहे हैं। सच बताइए क्या ये मैंने एक बार भी दिखाया क्या? ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे? पहले सर मैं भी खुद पहली बार जो सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, आज तक मैंने कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं किया। नहीं किया था? नहीं सर। तो देख सकते हैं पूरी बूटिंग हो रही है। अब ये फास्ट बूट पे जाएगा और इसका OEM अनलॉक करेगा, बूट लोडर को अनलॉक करेगा, टूल ही करेगा, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए हमारी FRP जॉब डन हो गई, ओनली 41 सेकंड। कितने सेकंड में हो गई? 41 सेकंड में हो गई। डाटा केबल निकालिए, बैटरी लगाइए और ऑन करिए। अब थोड़ा सा बूट होने में लगेगा टाइम, थोड़ा सा बूट होने में यहाँ पे लगेगा टाइम, और जैसे ही बूट हो जाएगा हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जॉब डन हुआ कि नहीं। अभी दिखाइएगा, एक इरेज होगा यहाँ पे, क्या हुआ? सर जी दो बार इसको रीसेट कर लिया, लेकिन इसमें स्किप का ऑप्शन बारी बारी आ रहा है, एक्टिवेट कर लिया मैंने। लगा के दो, लगा के। ये देखो हमारा रीसेट हो गया, ये हो रहा है हमारा रीसेट। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया सर। अरे चीज जितना मैंने पढ़ाया, फिर टेक्निकल पढ़ाया आपको? यस सर। ठीक है, तो रोकेंगे। थैंक यू कंप्लीट हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा बूट होने में, 34 हो गए तो ये थी हमारी आज, मतलब ये हमारी पूरी ओवरऑल रही सॉफ्टवेयर की जर्नी। कैसी रही सॉफ्टवेयर? वाइब्रेट किए हैं वो बस। तो इसको कम्प्लीटली चालू करके देखिए ऑन होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए करिए एग्री करिए। नहीं ये सोच रहा था सर ठीक है। नहीं नहीं, और नीचे नीचे एक सेकंड। चलिए ये देखिए सर, अब हमारा आगे चला गया यहाँ से। कोई बात नहीं, पूरा ऑन करके दिखाइए, पब्लिक फिर भी बोलेगी फोन चेंज कर दिए। नो सेटअप, नॉट नाउ, नॉट नाउ। अच्छे से क्लिक करिए, टाइम लेगा सर। स्किप करूं? कर दिए सर। चलिए थंब दिखाओ, ये देखिए सर। लाइव प्रैक्टिकल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने। स्टूडेंट ने यहाँ पे होनर की FRP अनलॉक किया, तो क्या केवल इसका कर सकते हैं या एनी ओनर? हर किसी का सर, हर किसी का कर सकते। यस सर। ठीक है, इसको रोक लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं SA टेलीकॉम से दुर्गेश, जो कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ सारा यहाँ पे आज इनका दिखाइए सर, ये हमारी कौन सी बैच है? 28 जून की बैच, और इनका हो रहा है सॉफ्टवेयर कंप्लीट। और इनसे हम पूछेंगे कि क्या इन्होंने सीख पाया नहीं सीख पाया। हम कुछ लोगों से पूछेंगे जो, क्योंकि बहुत सारी बड़ी रिव्यू वीडियो हो जाती है तो शायद नहीं देखते हैं, तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट पूछूंगा कुछ ऐसे लोगों से कि जो पहले से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों से पूछूंगा जो बिल्कुल ही फ्रेशर थे, जो इस फील्ड में थे ही नहीं, और उनसे हम लेंगे रिव्यू और देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो ये उनकी सॉफ्टवेयर क्लास हुई है, तो मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके हाथ में क्या है? एक हाथ में जो नोट्स, लास्ट नोट्स, कितनी वैल्यू है इसकी? पूरी सॉफ्टवेयर एक पेज में आ गई कि नहीं आ गई? क्या इससे शॉर्ट और इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? तो क्या इजी और शॉर्ट के चक्कर में मैंने कुछ गलत या फिर नहीं पढ़ाया क्या? ऐसा कुछ जो छोड़ दिया हो? यही चीज हम पूछेंगे एक एक्सपीरियंस लोगों से, और यही चीज हम पूछेंगे एक जो बिल्कुल ही फ्रेशर स्टूडेंट थे। तो बताइए यहाँ पे मेरा टेक की फ्लैशिंग कौन कौन कर लेगा? Yes, sir. iPhone, yes, sir. Spectrum, yes, sir. Unlocking की बात कर, without data loss unlock कौन कौन
कौन कर लेगा? सभी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि फेक हो। चलिए अब हम यहाँ पे पूछते हैं सबसे पहले इनसे, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम कुलदीप है और मैं पठानकोट पंजाब से हैं। कुलदीप जी, आप सॉफ्टवेयर में कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर लगभग 3 साल। 3 साल का एक्सपीरियंस और ये 3 दिन का एक्सपीरियंस? सर बहुत फर्क है। फर्क कैसा? फर्क मतलब सर, मैं जो भी सॉफ्टवेयर सीखा वो यूट्यूब से सीखता था, बट उसमें इतनी नॉलेज नहीं मिलती थी। यहाँ पे पूरी डीपली नॉलेज मिली है कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे फाइलों की डिटेलिंग हुई। अच्छा, कहाँ कुछ फंस रहे थे 3 सालों में? सर फाइलों का ही नहीं पता था, जैसे ओडिन को ही सीखते सीखते मेरे को कम से कम 1 साल लग गया। उसमें बाइनरी का एरर आता है, उसका एरर का पता चलने में 1 साल लग गया। okay. जो अभी आज 2 सेकंड में पता लग गया कि कहाँ से क्या करना है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया था। कुछ नया सीखने को मिला? सर बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, बताइए अपना नाम और कहाँ से आप? अभिषेक, बैंगलोर से। अभिषेक जी कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? 5 साल से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो हम आपका सवाल ये है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आप हमें ये बताइए क्या इनको कैसी गाइडलाइन देगी? गाइडलाइन का मतलब अभी जो भी कहा है उसको फॉलो कीजिए, सब कुछ आगे बढ़ सकता है, फॉलो किया तो, नहीं तो कुछ नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैं 5 साल से काम किया हूँ, मुझे आज पता हुआ है, पहले सैमसंग का जो भी AP फाइल ZP फाइल जब भी है ना वो पता नहीं होता था। अभी बाद में ये जो फाइल आता है U1, U2, U5 ये कितने सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं? 2-3 सेकंड में। आपको कितना टाइम लगा था? मुझे कम से कम ये 1.5 साल से 2 साल पड़ा था मुझे। और इनको कितना टाइम लगेगा? अभी 3 सेकंड में। क्या ये सही बोल रहे हैं? 30 सेकंड में बैटरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल आपको कुछ नया सीखने को मिला? बहुत कुछ मिला है। पहले क्या है ना, लोगो स्टॉप में कुछ भी आया तो विदाउट मतलब डेटा लॉस उन्होंने पूछा तो भी डेटा लॉस। ओके, अभी है ना विदाउट डेटा लॉस फ्लैश कर सकते हैं। कर सकते हैं, लाइव देखा आपने? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है आप? सर मेरा नाम रिजवान है, बहराइच उत्तर प्रदेश। अब तो बताइए आज सॉफ्टवेयर में काम करते थे इससे पहले? सर मैं 8 साल से काम कर रहा था। अब 8 साल का एक्सपीरियंस और 3 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। सर मुझे लग रहा है कि मैं 8 साल बेकार कर दिया हूँ। जो उसमें छोटे छोटे एरर्स आते थे, जी जी, एक एक मोबाइल के एक एक मॉडल मोबाइलों के जो है 10-10 फाइलें डाउनलोड करनी पड़ती। जी जी जी। अभी कितनी फाइल डाउनलोड करनी पड़ी? अभी सर 1 टाइम में 1 फाइल। 8 साल का ऐसा तो कभी ये नहीं लगा कि अरे आप कुछ नहीं, तो आप 8 साल से काम कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं लगा दुर्गेश सर कहीं गलत पढ़ा रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इनको पढ़ाया गया सही पढ़ाया गया, क्योंकि आप काम कर रहे हो, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको तो पता नहीं चलेगा अगर हम कुछ भी पढ़ा दें तो। आप 8 साल में ऐसा आपको लगा कहीं हम गलत गाइडलाइन से पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही रास्ता बताया आपने, बिल्कुल सही फाइल। और फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कैसा रहा? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत सही जगह पे आए हैं वो। जी जी। आपको ओवरऑल 8 साल में कुछ नया सीखने को मिला? जी बहुत नया मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, अब मैं उनसे कुछ ऐसे स्टूडेंट से पूछूंगा जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट थे। तो चलिए खड़े हो जाइए, बताइए अपना नाम और कहां से आप? मैं आजाद कुमार, छत्तीसगढ़ से। आजाद जी आप बताइए, इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं, नहीं किया। सॉफ्टवेयर में इन्होंने पहले कभी काम नहीं किया है, तो आप बताइए कैसा रहा आपका ये सफर? बहुत बढ़िया रहा सर, मैं सॉफ्टवेयर में काम नहीं करूँ लेकिन अब मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपको अनलॉकिंग या डायरेक्ट दे दिया जाए तो काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे 100% बोल रहे हैं? सर 100%। तो ऐसा तो नहीं लगा कि अलग पढ़ाया जा रहा है जो ज्यादा काम कर रहे हैं और हमको अलग पढ़ाया जा रहा है? नहीं वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बैठिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मैं राहुल शर्मा, जम्मू से। आप कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर करता नहीं सर, मेरे को लैपटॉप जैसे ऐसे चलाना। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है कि हम ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किए थे, क्या हमें सॉफ्टवेयर सीखने को मिला है? नहीं सर, पहले मैं यही सोच रहा कि बड़ा टफ होगा, जो सॉफ्टवेयर करते हैं बड़ा टफ होगा, लेकिन अभी आगे पास चला कि इजी है करने में। तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल दिखाई गया? जी सर बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मीन सीखने को मिला या नहीं मिला? सीखने को सर पूरा मिला। हार्डली पढ़ाया जाता है या फिर इजी स्टेप? नहीं सर पूरा समझ में आता है। पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट हमारे प्यारे, बताइए इनका खास इंटरव्यू। तो बताइए आप इससे पहले सॉफ्टवेयर, पहले अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम शारेली, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्विक लर्नर है, इनको जो भी पढ़ाया जाता है ये उनको फास्टली कैच करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्पीड में नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगता है, पर जो पहले से काम कर रहे हैं उनको हमारे पढ़ाने। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं सर 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा ये बताओ 3 सालों में कहाँ फंस रहे थे जो आपको लगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में? मैं काफी मतलब मैं अपने एरिया में जो है कि सबसे ज़्यादा मैं ही काम करता था सॉफ्टवेयर का, वहाँ पर उन्हें सॉफ्टवेयर का ऐसा भी नहीं आता था। ओके ओके। तो मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, बट यहाँ पर जो नॉलेज मिली है उसको देख के यहाँ
मेरी नॉलेज कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फाइल्स डाउनलोड करता था तो कभी कभी तुक्का भेड़ हो जाती थी। सैमसंग के कुछ नए साइट्स पता चले? हाँ, सैमसंग के नए साइट्स पता चले, फाइल कहाँ से टेस्टेड फाइल डाउनलोड करते हैं और क्या एग्जैक्ट तरीका होता है वो चीज़ पता लगी, काफ़ी डीप लेवल में जाने को मिला 3 दिन की क्लास में। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका सॉफ्टवेयर? बहुत बढ़िया सर, और फ्रेशर के लिए तो एकदम ज़बरदस्त। ऐसा तो नहीं फ्रेशर को अलग पढ़ा रहे हैं आपको अलग पढ़ा रहे? नहीं, सबको एकदम एक समान लेके चल रहे हैं और सभी को A to Z तक नॉलेज मिल रही है यहाँ पर। आप सर्टिफाइड हुए? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैसी रही सॉफ्टवेयर की क्लास? तो जो बोला जाता है, जो आप सोच के आए थे कि एज अ फ्रेशर या फिर जो 8 साल से काम कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ओवरऑल लास्ट में इंडिया का नंबर वन स्वीट कौन है? फिर से आवाज नहीं आई, इंडिया का नंबर वन स्वीट कौन है? तो ये दिल से है कि ऐसे ही है? दिल से। थैंक यू सो मच। सर मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?